मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कृषि विभाग में नवनियुक्त प्राविधिक सहायक ग्रुप सी को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें गोरखपुर जनपद में 105 सहित प्रदेश में 1863 कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान लखनऊ से वर्चुअल रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत समस्त 9 चयनित कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक साथ 1863 कृषि तकनीक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 288 नौ चयनित युवाओं को लखनऊ में तथा शेष को प्रदेश के अलग अलग जनपदों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में पारदर्शिता का ही परिणाम है कि विगत 4.5 वर्ष में प्रदेश में 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने देखा है कि प्रदेश के विकास में पारदर्शी तरीके से चयनित युवा अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष में प्रारंभ हुई प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उठकर आज देश में दूसरे स्थान पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश बिना रिश्वत के मिली है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था पिछली सरकार में नहीं थी। अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती तो 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। इस दौरान गोरखपुर में एनेक्सी भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित नव नियुक्त सहायक कृषि तकनीकी मौजूद रहे। इस दौरान गोरखपुर के लिए चयनित 105 कर्मचारियों में से 101 लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नियुक्ति पत्र पाने वाले लाभार्थी और विधायक विपिन सिंह ने कहा, किसी भी स्थान पर आपको
किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने या कहीं से कोई लेन देन के बारे में कहीं कुछ जानकारी या कोई भी इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होगा। सौदेपुर से के बिगड़ी हुई व्यवस्था में इतनी स्वच्छ स्वच्छता और पारदर्शी व्यवस्था यह शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। अगर हमने इन सभी प्रक्रियाओं में इस स्वच्छता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा होगा तो हम लोग विगत 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं, इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी सरकारी स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन प्रदान कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। यह एक व्यवस्था है और मैंने इस बात को देखा है कि पारदर्शी तरीके से चयन प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना भरपूर योगदान भी दिया है। आज से 4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में देश की छठी अर्थव्यवस्था बन जाता है। सब कुछ यहाँ पे था, हमारे पास देश के सबसे अच्छा मानव संसाधन हमारे पास, सबसे बढ़िया आबादी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास, सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी। क्या अपने अच्छे मानव संसाधन के बावजूद, अच्छा जल संसाधन के बावजूद, अच्छी उर्वरा भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हरेक क्षेत्र में पीछे रहता है? लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश उतना सुपर जटिल दिखाई देनी चाहिए और प्रक्रिया आज यहाँ पर एक साथ सामूहिक प्रयास से यहाँ पर सामने आई है और प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे कार्य की संभावना ना के बराबर है, शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी, नौकरशाही लोग सभी कार्यों को लागू करने में अड़े आ गए थे, राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज इस वक्त कोई बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था और नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है।
उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। आज हम सभी के लिए ये हर्ष का अवसर है कि एक लंबे समय के बाद कृषि विभाग ने 1863 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और ये चयन वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा किया गया है और इन 1863 जो प्रदेश में प्राथमिक सहायक चयन किए गए हैं इनमें से अकेले जनपद गोरखपुर को 105 प्राथमिक सहायक ग्रुप सी तैनाती के लिए आवंटित किए गए हैं और उनमें से 101 अभ्यर्थियों ने हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर अपने अभिलेख वगैरह का परीक्षण और सत्यापन करा भी लिया है और उन सभी को जिनमें से जो दूर वाले थे कुछ लोग नहीं आ पाए हैं लेकिन ज़्यादातर लोग आ गए हैं उन सभी को आज हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। उसी की देन है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में आपको कृषि विभाग में आज पद ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। करीब 1800 कुछ हमारे साथी हैं, इसमें बहनें भी हमारी हैं। मैं लिस्ट देख रहा था जिसमें वाराणसी से लेके मेरठ, हरदोई, लखनऊ, तमाम जगहों के हमारे प्रदेश के बाहर के भी लोग गोरखपुर में आए हैं। दूरी तो अधिक है लेकिन चलिए नौकरी कहीं करना है, किसी परिवार से लोग विदेश में जाके नौकरी करते हैं परिवार चलाने के लिए, पहले तो आप लोग ज्वाइन करिए, उसके बाद नौकरी एक कुछ दिन में फिर हो सकता है सरकार आपको अपने घर के करीब पहुंचा दे, ऐसा विश्वास है योगी महाराज की सरकार पर। साथियों चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख लीजिए, करीब 1,38,000 करीब हुई है लेकिन कहीं से हम लोग पास आप लोग परिवार के लोग कोई नहीं आए। जानते थे कि योगी राज में कहीं कोई न तो रिश्वत चलेगी न तो किसी विधायक का कोई चलेगा, लेकिन बहुत से लोग बहुत गरीब परिवारों को लोग आज पुलिस विभाग में शिक्षा विभाग में नौकरी पाए जिससे उनका परिवार अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। साथियों भ्रष्टाचार वहीं से उत्पन्न होता है, जब मैं नौकरी करने जाऊं किसी अधिकारी को किसी नेता को अगर माँ बाप का जेवर बेच करके जमीन बेच करके पैसा देते हैं तो आपके मन में भी विचार आता है कि मैं उस माँ बाप के पैसे को पहले निकालूं जिन्होंने खेत बेच के जेवर बेच के हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था की। जब आपने पैसा दिया नहीं तो आपके मन में भी अच्छा विचार आएगा, चलो हम देश के लिए हम समाज के लिए कुछ करें। और साथियों सबसे बड़ी बात कि आप यह मन में भाव रखिए अपने कार्यों से आप संतुष्ट हो जाइए, किसी को संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है आपके कार्यों से, सिर्फ आपकी संतुष्टि बहुत है। आज मैंने दिन भर में जो मेरी जिम्मेदारी थी उसमें कितना काम किया, अगर आप संतुष्ट हैं किसी संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, बस जिंदगी ऐसे आराम से चलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके जीवन में तो की कामना करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। मित्रों हर व्यक्ति के जीवन में जैसे कि अभी संजय सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अवसर आता है, यह अवसर आपको मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अपने किसानों की आय को हमें दोगुना करना है, उसमें आप मील के पत्थर साबित होंगे। वास्तव में अगर आपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर आपने किया तो निश्चित है कि किसानों को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जिस तरह से पिता को पुत्र की जरूरत होती है उसी तरह से हमारे किसान भाइयों को किसान सहायकों की जरूरत होती है। जमशेदपुर से हैं, यहाँ कोई दिक्कत होगी तो हम लोग नंबर दे दें।
मीतका सिंह हमारी डॉटर ऑफ कहाँ से? सीतापुर से। वाह, गृह लक्ष्मी शाही सब तो करीब है। देवरिया प्रदीप गुप्ता। अरे बाप, रुमरी जालो। संता चौहान। दीक्षा सिंह। विद्यासागर। सिवान से। अरे यार, सब तो गोरखपुर से। सिवान गोरखपुर। हर्षिता वर्मा। हर्षिता को घर पर नौकरी मिल गई। क्यों? हमने तो सारा शहर तो नौकरी में उसे गाजीपुर देखते हैं। कहाँ से हैं आप? प्रियंका कुमारी। विमल कुमार। गोरखपुर का लड़की जा रहा है। कुमार जी ना, उसी नगर वाले ठीक ठाक है। विमल मनीषा यादव। क्रांति देवी। इत्र वाले नया शहर के क्षेत्र से आगरा से। प्रियंका क्रांति देवी। प्रयागराज से। श्वेता सिंह। तलवीर सिंह के बताना। बिपिन सिंह। अपने बना लीजिए। मनीषा कुमारी। अर्जुन सिंह। मनीषा कुमार। सर आप वहाँ के तो होते हैं नौकरी करने की जिम्मेदारी। विवेक कुमार। वाराणसी से। चलिए मोदी जी के मनोज कुमार। देखिए मणि पटेल। बाधा हमारे ग्राम विकास मंत्री के क्षेत्र से चलिए। प्रभात कुमार। कटिहार से। अदिति रंजन। हम परीक्षा दिन नहीं करी थी। अशोक कुमार। गाजीपुर से। जो बचे लोग हैं वो भी आ जाए। पद्मा राय आजमगढ़ से। नियुक्ति जी अभी मेरी गोरखपुर जिला में पोस्टिंग हुई। नई नियुक्ति पत्र हम लोग को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि विभाग का बहुत सहयोग रहा है कि समय पे हमें नियुक्ति पत्र मिल गया और हम कृषि के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ और मुझे आज कृषि तकनीकी सहायक पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला है। और यहाँ पे मेनली जो प्रधानमंत्री का जो किसानों का विकास और किसानों की आय 2020 तक दुगुनी करनी है, उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर सरकार द्वारा जो किसानों के उत्थान के लिए जो तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, उसी के लिए हम लोगों की बहाली की गई है, ताकि हम लोग किसानों को ज़्यादातर जो हम लोगों ने पढ़ाई किया उसको व्यवहारिक तौर पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सके। यही ये हमारा 2018 में हमने फॉर्म डाला था, 2019 फरवरी में हमारा एग्जाम हुआ था।
और सितंबर 2020 में हमारी रिजल्ट आई थी और अभी आज के डेट में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि आज 1800 कुछ प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के नौजवानों को, बहनों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस भी नियुक्ति में भी पूरी पारदर्शिता बरती गई है। जैसा कि यहाँ के जो भी हमारे साथी बहन जो भी नियुक्ति पत्र लेने आए थे उनकी बातों से लगा और गोरखपुर में अकेले 101 लोग आज से यहाँ कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं और जब इससे किसान और सरकार के बीच में जो भी समस्या होती है इन्हीं लोगों के माध्यम से हम किसान तक पहुंचते हैं। जो भी उनके उनको जानकारी देनी रहती है सरकार के बारे में कि अभी जैसे बोना है या खाद ऐसे डालनी है या किसानों की जो भी समस्या रहती है उनके बाद जो भी गेहूं दलहन तिलहन जो भी बिक्री करना इनके माध्यम से इनको भी किसानों को भी बहुत आराम हो जाएगा। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। अब इन नौजवान साथियों को उज्ज्वल मैं भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत